रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। एपीएस एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स हमीरपुर के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मेरा भोला है भंडारी फेम हंसराज रघुवंशी ने शिरकत की। इस अवसर पर हिमाचल और दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ से आई मॉडलों ने रैंप पर संस्था के द्वारा बनाई गई परिधनों को प्रस्तुत किया। रैंप पर मॉडल्स की पारंपरिक परिधनों के साथ साथ दूसरे राज्यों के परिधनों की प्रस्तुतियों को देखकर हर कोई दंग रह गया। एपीएस अकादमी ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स हमीरपुर के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मेरा भोला है भंडारी फेम हंसराज रघुवंशी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर हिमाचल और दिल्ली चंडीगढ़ से आई हुई मॉडल्स ने रैंप पर संस्थान के द्वारा बनाई गई परिधानों को भी प्रस्तुत किया। रैंप पर मॉडल्स की पारंपरिक परिधानों के साथ दूसरे राज्यों के परिधानों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि हर कोई दंग रह गया। वहीं गायक हंसराज रघुवंशी ने अपने संगीत के शुरुआती पलों को साझा किया। बता दें कि रघुवंशी का मेरा भोला है भंडारी के गाने को अब तक YouTube पर 50 मिलियन से ज़्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और उनके गानों को हर कोई पसंद कर रहा है। वहीं अब हंसराज की एंट्री बॉलीवुड में भी हुई है जहाँ पर वह सनी देओल की आने वाली फिल्म में अपने गानों से धमाल मचाएंगे। आपको बता दें कि हंसराज रघुवंशी हिमाचल के बिलासपुर जिला के रहने वाले हैं और बचपन से ही गायकी का शौक रखते थे। वर्ष 2016 में उनका पहला गाना बाबा जी और गंगा किनारे फकीरा कसोल परिंदा डमरू वाले ऐसे मधुर गानों को लोगों ने बेहद ही पसंद किया है। इस अवसर पर संस्थान प्रबंधक शकुंतला शर्मा सतपाल शर्मा के अलावा शहर के गणमान्य लोग भी काफी संख्या में मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं अनु शर्मा। एस टूडे के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एपीएस एकेडमी के एनुअल शो में जहां के चीफ गेस्ट हैं हंसराज रघुवंशी जी। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर में क्या क्या स्ट्रगल किए हैं। सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है। थैंक यू जी सो मच। जय शंकर। हाँ जी बताइए, आप अपने करियर में क्या क्या स्ट्रगल किया है आपने? स्ट्रगल जी कुछ नहीं, बस गाने गाते थे पहले भी, आज भी गा रहे हैं, बस इतना सही है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने मतलब कितने गाने गाए, उनके व्यूज कितने कितने हो गए हैं। व्यूज मैंने देखे नहीं अभी, बट अच्छा है, रिस्पांस अच्छा है, लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। हंसराज रघुवंशी जी, हमने सुना है कि आप बॉलीवुड में भी जा रहे हो, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी, बॉलीवुड में जा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, और ज़्यादा खुशी भी नहीं है। वैसे मेरे जितने भी गाने हैं वो अच्छे चल रहे हैं, लोगों की दया से, प्यार से, मोहब्बत से, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। धन्यवाद आपका हंसराज रघुवंशी जी, आपने हमसे बातचीत की एपीएस एकेडमी के एनुअल शो में। आइए हम बात करते हैं एपीएस एकेडमी की प्रबंधक जी से। मैम बताइए कि एपीएस में एकेडमी का एनुअल शो रखा गया है, उसमें क्या क्या तैयारियां की गई हैं? एपीएस INFD हमीरपुर हरे प्रत्येक वर्ष फैशन शो का आयोजन करता है जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी को शो करते हैं। तो आज हमने फैशन शो रखा है जिसमें टॉप मॉडल लैक्मे फैशन वीक के टॉप मॉडल वो आके मॉडलिंग करेंगे, हमारे बच्चों के ड्रेसेस को प्रेजेंट किया जाएगा जिसमें हमारे बहुत से राउंड्स हैं, जैसे प्लान है फैमिली क्वेश्चन, जैसे फैमिली में क्वेश्चन होता है मेहंदी वो कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है वो शो किया है, फिर वाटरफॉलिंग जैसे पानी है, पानी बूंद बूंद करके गिरता है और स्टीम बन जाता है, कलश का पानी वो भी एक स्टीम बन जाएगा। तो बच्चों ने ड्रेसेस में जैसे स्लीव के थ्रू या अपनी फ्लेयर में प्लीट्स के थ्रू वो शो किया है, और एक राउंड हमारा वाटर क्रिएचर है, वाटर क्रिएचर जैसे पानी के जीव, पानी में जैसे हमारे पर्ल्स शंख वगैरह होते हैं
तो उनको उनको इंस्पिरेशन लेके बच्चों ने अपने ड्रेसेस में शो किया है। फिर और भी हमारे जैसे रॉयल कॉस्ट्यूम में, रॉयल में रॉयलिटी शो करता है। रॉयलिटी एक कपड़े को पहनने से ही शो नहीं होती, रॉयल में डिजाइनिंग बच्चों ने कैसे की है, उन्होंने लहंगा चोली और ये सब लेके डिजाइनिंग की है। फिर रेड कारपेट, एक राउंड हमारा रेड कारपेट है जिसमें बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट कलर के गाउन्स बनाए हैं, जो कि उन्होंने विक्टोरिया, फ्रेंच पीरियड और आपके वेजेंटाइन पीरियड, इन तीनों पीरियड से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने ड्रेसेस बनाई हैं, वो भी रैंप पे आ रही हैं ड्रेसेस।